महिला एवं बाल विकास विभाग घाटोल की परियोजना अधिकारी रूपति और महिला पर्यवेक्षक मंजुला लबाना को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बांसवाड़ा की एसीबी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांसवाड़ा की टीम ने शुक्रवार को घाटोल महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी सीडीपीओ रूपवती चरपोटा और महिला पर्यवेक्षक मंजुला लबाना को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों ने यह रिश्वत राशि देवदा की महिला पर्यवेक्षक तारा भगोरा से घाटोल कार्यालय में ही ली थी। सीडीपीओ ने तारा से देवदा में तबादला कराने के एवज में 10,000 रुपए और उसे पूर्व में मिले दो नोटिस का निस्तारण करने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत सह आरोपी महिला पर्यवेक्षक मंजुला के जरिए मांगी थी। कार्रवाई के बाद महिला पर्यवेक्षक ने तबियत खराब होने की बात की, जिस पर दोनों को एमजी अस्पताल में ले जाकर मेडिकल जांच कराई गई। दरअसल तारा ओडवाड़िया की रहने वाली है, जो मई 2018 से घाटोल में महिला पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत थी। बच्चों की वजह से चाहती थी कि उसका तबादला घर के नजदीक देवदा सेक्टर में हो जाए, लेकिन ऐसा करने के लिए सीडीपीओ रूपवती ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। वहीं तारा को पूर्व में दो नोटिस भी मिल चुके थे, जिनमें एक नोटिस 25 फरवरी को आंगनवाड़ी छोटी पड़ाल में अवधि पार दवा मिलने पर, जबकि दूसरा तहसीलदार के निरीक्षण के दौरान तारा के अनुपस्थित मिलने पर मिला था। दोनों ही नोटिस के निस्तारण की एवज में सीडीपीओ ने 15,000 रुपए की पेशकश की। दोनों मामलों में कुल 25,000 की डिमांड की गई। तारा ने आग्रह किया, लेकिन 18,000 तक देने की बात पर अड़े रहे। आखिर तारा ने 9 जुलाई को एसीबी में शिकायत की। अगले दिन घाटोल में कार्यालय में 8,000 रुपए की रिश्वत लेना सत्यापित हुआ, जबकि बाकी के 10,000 की रिश्वत राशि शुक्रवार को लेते दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी के एसपी माधव सिंह ने बताया कि 3 दिन पहले भी रिश्वत के रुपए लेने बुलाया था, लेकिन सीडीपीओ के नहीं जाने पर ट्रैपिंग की कार्रवाई टालनी पड़ी। शातिर सीडीपीओ ने प्रार्थियों से कहा कि वह रुपए खुले नहीं लाकर कागज में लपेट कर लाए। इसके बाद हमें कार्रवाई की प्रक्रिया भी बदलाव करना पड़ा। सीडीपीओ ने घाटोल कार्यालय पहुंचते ही आंगनवाड़ी वर्कर्स की बैठक ले ली, जिस पर काफी देर तक बाहर इंतजार करना पड़ा। दोपहर करीब 1:30 बजे तारा को महिला पर्यवेक्षक मंजुला ने सीडीपीओ के चैम्बर में बुलाया, जहां तारा से 10,000 रुपए लेकर मंजुला ने सीडीपीओ को दिए। सीडीपीओ ने रुपए लेकर अपने बैग में रख दिए। इशारा पाकर टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। घाटोल में आज ट्रैप कार्रवाई हुई थी सीडीपीओ ऑफिस में। वहाँ जो सीडीपीओ कार्यवाहक सीडीपीओ हैं रूपवती चरपोटा और एक वहाँ सुपरवाइजर है मंजुला जी, तो इन दोनों ने उनके वहीं एक सुपरवाइजर मिसेज तारा, उनसे उन्होंने उनके ट्रांसफर के एवज में और नोटिस फाइल करने के एवज में 25,000 की डिमांड की थी, जो उन्होंने तारा जी ने यहाँ शिकायत की, जिस पर सत्यापन करवाया। तो सत्यापन के दौरान 8,000 रुपये मंजुला की मार्फत रूपवती जी ने लिए थे। आज ट्रैप कार्रवाई के दौरान 10,000 रुपये तारा जी से मंजुला ने लेकर के और रूपवती को दी, जो उनके बैग से बरामद हुए और आगे कार्रवाई जाती है। तो सर इसमें दोनों को लिया है? हाँ, दोनों को।